दोस्तों M16 कितना खतरनाक गन होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या आप इसकी वर्किंग मैकेनिज्म को जानते हो? दरअसल गन गैस ऑपरेटेड मैकेनिज्म पे वर्क करता है, जिसके पिछले भाग में एक बफर स्प्रिंग होता है और इसके बैरल के ऊपर एक गैस ब्लॉक होता है जिसके साथ एक गैस ट्यूब पाइप अटैच होती है और इसके मिड पार्ट में एक फायरिंग पिन होता है जो कार्ट्रिज के गन पाउडर को विस्फोट करती है। फायरिंग करने के लिए जब इस गन में लोडेड मैगजीन को डाली जाती है तब बोल्ट मैगजीन में से एक कार्ट्रिज को चेंबर में ले जाती है। इसके बाद ट्रिगर दबाया जाता है, ट्रिगर दबाते ही हैमर फायरिंग पिन से टकराती है और फायरिंग पिन कार्ट्रिज के गन पाउडर या एक्सप्लोसिव मटेरियल को विस्फोट कर देता है, जिसके कारण बुलेट गर्म गैसों के हाई प्रेशर से लगभग 1000 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बैरल से बाहर निकलती है और उसी समय यह एक्सपैंड होती गैसेस गैस ब्लॉक में आती है और गैस ट्यूब के जरिए ये बोल्ट को पीछे धकेलती है, जिसे खोखा बोल्ट में फंसे होने के कारण पीछे आती है और इजेक्टर पिन इस खोखे को बाहर निकाल देती है। लेकिन इसी फिनोमिना के दौरान ये बफर स्प्रिंग बोल्ट से जुड़े होने के कारण अब ये भी पीछे आती है, लेकिन स्प्रिंग के दबाव के कारण ये बफर स्प्रिंग बोल्ट को आगे धकेलती है और बोल्ट आगे आते वक्त मैगजीन में से एक कार्ट्रिज को फिर से चेंबर में लोड कर देती है और इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है।